आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफी जंतर मंत्र पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ न्याय होगा। जैसे ही मेरे को इस न्यूज का पता लगा, कल रात की न्यूज थी, तकरीबन 2:30-3 बजे बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से एसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बैड उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। बजरंग पूनिया ले आप, विनेश फोगाट ले, साक्षी मलिक ले, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। और रही बात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो सब जानकारी के बाद पता लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि लगी पुलिस ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो लेकिन मेरा एक सवाल था सिर्फ कि पुलिस ने किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की, वो भी हिंदुस्तान की जो शान है, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ किसके इशारे पर ये सब चीजें हुई, इसकी जांच हो और हमारे जो ओलंपिक विजेता हैं, हमारे भाई बहन, उनके साथ न्याय हो और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको सरेआम सबके सामने दिखाया जाए कि हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई आगे की जाएगी।